भारत और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की पोल खोलते ग्राम पंचायत और नगर पंचायत और यह ग्राम संगठन पुट्ठा में आज हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो सरकार के बड़े बड़े वादे फेल हो गए। जो बात की जाती थी कि ये नया भारत है, विकसित भारत है, मगर आज इसकी हकीकत कुछ और ही है। सरकार विकास किताबों पर दम भरने वाली सरकार आज कटघरे में खुद खड़ी है। ग्राम पंचायत सेगान पुट्टा में सरकार की विकास की गंगा बह रही है वो हमारे संवाददाता को साफ नजर आई। ग्राम पंचायत में कूड़े के बड़े बड़े ढेर, गंदगी लगातार बनी हुई है, नालियां चाक हैं और साथ ही साथ घरों में पड़े ताले ये साफ बता रहे हैं कि आखिर सफाई का क्या आलम है। ग्राम पंचायत के लोगों ने बताया कि सफाई कर्मी और ग्राम प्रधान के यहाँ आकर कार्य करके चले जाते हैं, मगर ग्राम प्रधान क्योंकि बाहुबली है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो जाकर विकास कार्यों को लेकर किसी भी प्रकार की उनसे चर्चा कर सके। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अभी हाल का मामला है, ग्रामवासी देवेश चौहान ग्राम प्रधान की परिजनों से विकास कार्यों की चर्चा करने के लिए गए थे, मगर उनको इसी बात को लेकर उनके साथ मारपीट हो गई कि वो इस तरह की स्थिति में पहुंच गए और कानून व्यवस्था पर दम भरने वाली सरकार, जिन व्यक्तियों ने देवेश चौहान को मारा उन सभी को स्थानीय पुलिस ने धारा 151 लगाकर तुरंत छोड़ दिया, मगर ग्रामीणों ने बताया कि वो व्यक्ति आज भी एक पैर से चल रहा है। तो यहाँ पर आशु भदौरिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, विकास का दम यहाँ पर प्रशासन भरता है और कहीं ना कहीं राजस्व को भी चूना लग रहा है, लेकिन प्रशासन अनदेखी कर रहा है। आशु भदौरिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां पर लोगों से बातचीत की, किस तरह के हालात थे वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं इस समय ग्राम सेगर पुट्ठा के गांव ग्राम पंचायत में खड़ा हूं और मैंने जो कार्यक्रम जो हमारा चलता है मेरा गांव मेरा देश के तहत मैंने दिखाया, ग्राम पंचायत सेगर पुट्ठा की गंदगी के बारे में दिखाया, कूड़े के ठेरों के बारे में दिखाया, बंद पड़ी हुई लैट्रिन, स्वच्छ जो शौचालय और जो इज्जत घर बनाए गए थे उनके बारे में दिखाया गया, इज्जत घर में किस तरीके से ताले लटक रहे हैं, लेकिन एक वहाँ से वहाँ पहले ही से ही कर्मचारी तैनात है 1.5 साल से, जो ग्रामीणों ने बताया उसको प्रधान के द्वारा पेमेंट 1.5 साल से की जाती है मगर ताला आज तक नहीं खुला। नाला आपको दिखाई देगा एकदम से सड़क टूटी पड़ी है, जैसे प्रधान जी से कहो कुछ भी तो कई एक बार काम लोगों ने कहा आप सफाई करवा दीजिए यहाँ से, सब लोग आदमी ने करना है तो इस नाली में होते नहीं है, तो सफाई कर्मचारी का आज तक पता ही नहीं चलता है, लगभग 3 महीने हो सफाई कर्मचारी को अभी दिखाई देगा 3 महीने, उसके पहले जैसे मान लो सफाई के लिए कहा जाता था प्रधान जी की तरफ तो हो जाती है सफाई किसी की नहीं। और रही बात जैसे इज्जत घर बता रहे हैं आप जो वहाँ पर देखते आए आप जी, उसमें लास्ट में बना हुआ उसमें ताला पड़े हुए हैं कम से कम 1.5 से 2 साल कागजों पे चालू है, उसमें नियुक्ति भी है भी निकलते हैं, उसमें आज दिन तक कोई भी काम बैठने के लिए गया। नंबर तीसरी बात, एक पुराना वहाँ पे बरात घर के पास आप देख के आए होंगे, पुराना का नाम इज्जत घर बना है और उस पर काम हुआ पहला कंप्लेंट, उसका का नाम कईयों लाख मतलब रुपया आया था तो उसका काम हुआ, लेकिन कागजों पे काम हुआ हमने तो अभी तक कुछ नहीं दिखाई दिया, कागजों पे काम हुआ और वो जैसे का तैसा डला हुआ था, पूरा ही पूरा पूरा भरा हुआ है, जहाँ आप देखते हो पेड़ भी उगे हुए हैं और नालियों से किस तरीके से बजबजाई हुई हैं, कूड़ों से नालियां किस तरीके से बदबू मार रही हैं। आलम ये है कि सरकार वादे तो बहुत करती है पंचायती राज घोषित होगी पंचायती राज के, मगर पंचायती राज की जब जमीनी हकीकत में हम जाते हैं तब पता चलता है कि पंचायतों में कितना अभी तक विकास हुआ है और कितना विकास अभी बाकी है। ग्राम सेगर पुट्ठा की स्थिति मैंने वहाँ जीरो ग्राउंड में जाकर मैंने एक एक चीज को मैंने वहाँ दिखाया कि वहाँ किस तरीके से भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है, वहाँ पर पैसों का किस तरीके से बंदरबांट किया जा रहा है, वहाँ पर
सचिवालय के नाम पर सचिवालय तो बना दिया गया है, वहाँ लैपटॉप, वहाँ पंखे, वहाँ पर और भी जो सुविधाएं होती सचिवालय में कागजों में वहाँ पर खरीदी जा चुकी है, मगर जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई ऐसी नाम के एस्टिमेट हमको देखने को नहीं मिले। कागजों में तो आदर्श ग्राम मेरा है सीवनपुर, लेकिन धरातल कुछ नहीं, सफाई कर्मचारी आता नहीं है, गांव में गंदगी है, कूड़े के ढेर है, आप देख आए होंगे, आप भी देख लेना हो जो भी मतलब आए, और जो लेटरें बनी हुई हैं वहाँ इज्जत घर बने हुए हैं, 1.5-2 साल हो गए चालू नहीं, पानी की टंकी रखवा दी गई थी, मेरा पास में मकान पड़ता, मेरी समर से ही पानी उसमें भरवा दिया गया था, चालू नहीं है, ना वहाँ समर चालू है, ना वो मतलब सफाई कर्मचारी वहाँ नियुक्त के कोई काम नहीं है, कोई चालू ही नहीं है लेटर जी नाम के लिए के वाले, ये प्रधान और ये लोग मिलके अपने गोलमाल करते हैं, हम लोग अगर शिकायत भी करते हैं तो कुछ कहते हैं तो भाई प्रधान का लड़का जो सेक्रेटरी मंत्री है तो उसकी भी पहुंच ऊपर है, वहाँ अपने लेते हैं वहाँ सिस्टम बना देता है, कोई सुनवाई नहीं, पहुँच कहाँ माननीय मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुँच रही, लेकिन हम लोग शिकायत तहसील ब्लॉक में करेंगे ना सर जी, भाई हम लोग तो वहाँ जाएंगे नहीं, अभियान पर किसी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारा गाँव आदर्श गाँव है, उसके बाद भी बात भी ये हालत कई बार हो रही है, आदर्श गांव होने के बावजूद भी आज इतनी सारी गंदगी, इतना सारा मतलब पहाड़ बने हुए हैं, लगी हुई है, मतलब इतना गंदगी आज से पहले किसी भी पदाधिकारी में नहीं हुआ है जितना इस समय चल रहा है, और प्रधान जी को लापरवाह है, वो ड्यूटी चले जाते हैं, उनकी पत्नी घर पर बैठे चले जाते हैं, वो है ना इसमें तो सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक, तो जब पता चला तो प्रधान और सचिव मिलकर वहाँ पर बंदरबाट पैसों का बंदरबाट कर चुके हैं, वो ऐसा होता रहा है, लेकिन है क्या, लोगों ने ये भी बताया वहाँ पर कि जो प्रधान है दबंग है, दबंग टाइप के हैं, और जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ वहाँ पर जिस व्यक्ति ने ये कार्यक्रम करवाया था उसके ऊपर जानलेवा हमला भी करवाया जा चुका है, तो मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ समस्त जनपद के अधिकारियों पर कि ऐसे भ्रष्ट प्रधानों पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी जांच की जाए, और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो इन पर कार्रवाई की जाए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लोग रिपोर्टर जब इस तरीके से खबरें जब प्रसारित करते हैं तो एक हम पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है रिपोर्टरों पर, प्रधान जाकर थाने में बैठ कर इंस्पेक्टर से बोलता है कि वो पत्रकार आए थे हम सब पैसे की मांग कर रहे थे और हमसे नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ खबर चला देंगे, इस तरीके की अक्सर कर खबर चला मतलब सुनने को आता है, और यही और यह जनपद है जनवरी से लेकर अभी तक आज का माह जो माह चल रहा है अप्रैल, प्रधान से कहो तो ये कह देते सफाई कर्मी सुनता नहीं है, वो उन दोनों की मिली भगत है। अच्छा ये और बताइए, मैंने देखा है गांव के किनारे एक वहां पर एक शौचालय इज्जत घर बना हुआ है लास्ट में, वहां ताला लगा हुआ है, तो वो ताला लगा हुआ है और ऊपर पानी टंकी भी लगी हुई है, उसका रीजन क्या था बनाने का, और उसमें ताला लगा हुआ है क्यों बनाया गया, क्या कारण था, और ताला क्यों लगा हुआ है, क्या कारण वो सरकार की महिला कॉम्प्लेक्स एक सामूहिक इज्जत घर के तौर पर बनाया गया था, उसका एक सफाई कर्मी भी तैनात है मेरे गांव में, परमानेंट उसका रुपया लगाता है, वो आधा प्रधान लेता है आधा उसको मिलता है, और आज तक उसमें किसी ने मतलब उद्घाटन नहीं किया है, ये मान के चलो पानी एक व्यक्ति ने उसमें लेटरिंग की। सर कितना टाइम हो गया उसको बने में? लगभग 1.5 साल हो चुकी है, 1.5 साल से बराबर अभी तक उसमें ताला लगा हुआ है, और जो व्यक्ति वहाँ पे है उसको बराबर पेमेंट मिल रहा है? जी हाँ, उसे बराबर पेमेंट मिल रहा है। मई का अभी तक यहाँ पर लगभग 1 दर्जन पत्रकारों पर इसी तरीके से झूठे बिना कोई साक्ष बिना किसी तहकीकात किए हुए 1 दर्जन पत्रकारों पर मुकदमे लगाई जा चुकी है, ये भी एक चिंतनीय और एक सोचनीय बात है कि आखिर में इस पर भी एक चिंता करनी चाहिए और अधिकारियों पर इस पर विचार करना चाहिए। मैं आशु भदौरिया, न्यूज़ वन इंडिया से, और यह